हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो है रिगार्डिंग नेक्रोपोलिस विकन फाइट गाइस। और इसमें नोड है नेक्रोटिक बोन। ये थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है क्योंकि आपकी पावर स्टील करते रहेगा, तो बेसिकली 12 सेकंड का टाइमर होता है जिसमें अगर आपकी पावर सेम है, स्पेशल वन है और उसकी भी स्पेशल वन है, तो आपकी पावर स्टील कर लेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट्स अ लिटिल अनोइंग। ऑब्वियसली वी आर गोइंग विद एगॉन क्योंकि एगॉन इज़ द मास्टर ऑफ क्लियरिंग ऑल दीज फाइट्स। सो बस और कुछ नहीं, बिना सोचे समझे इसको पेलना शुरू। आइडियली टारगेट रखो कि स्पेशल वन ही वेट करो, वरना स्पेशल टू में ऐसे पिट जाओगे मेरी तरह। बट डीबफ्स हटा सकते हो आप एकदम से अगर अटैक करोगे तो। टेनेस्टी कैन वर्क रियली वेल एंड एज यू सी हमने इतना ज़्यादा एग्रेसिव खेलने की कोशिश करी कि थोड़ी ज़्यादा चोटें ले ली, बट इट्स ओके, हम उसको 70% तक ले आए हैं। सो अब ये सुसाइड टाइप खेलने से अच्छा है कि थोड़ा सा और पेलते हैं ऐसे एंड वील ट्राई टू मेक श्योर कि स्पेशल वन ही वेट करें इसकी। ऑल दो 10,000 का रीजन मिलता है, सो विच कैन गेट अ लिटिल अनोइंग। और जैसे आपने देखा ये नोड अब काम कर गया, फिर से कर गया शायद, क्योंकि ये पावर ही गेन करी जा रहा है, पावर स्टील कर रहा है मेरी, बेसिकली गेन नहीं कर रहा। तो इसके साथ वही ऑब्जेक्टिव है कि बस पेलना इसको रखो कॉन्स्टेंटली ताकि ये आपकी पावर स्टील ना कर पाए एंड ट्राई टू लाइक वेट स्पेशल टू इफ पॉसिबल। और हैंडल्स एनर्जी आपको काफ़ी हद तक बचा भी सकती है अगर उसका मन करे तो। बस ये पावर स्टील करी जा रहा है फालतू में, टाइमर लैप्स हो रहा है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा टाइमर पे। बट वही है मेरा कि 2-3 रिवाइव लगा के इसको निपटा दें, सल्टा दें और अगर ज़रूरत पड़े स्पेशल 3 मार्केट अनलॉक तो वही जाता है, काफ़ी लंबा, उसमें भी बहुत सॉलिड डैमेज आ जाता है, सो वाई नॉट। लास्ट में मीडियम कॉम्बो दिया मैंने एक और फिर अब अपना अटैच भी कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, लड़के को जो भी बोलते हैं, अनब्लॉकेबल बफ फेल हो रहा था क्योंकि उसने हमने पैरी कर दिया था शायद। तो पैरी करोगे ऐसे तो आपके बफ फेल होंगे, वो ध्यान रखना, पैरी करने की लोड नहीं है इस फाइट में। और आप पे इंसिमिनेट भी पड़ेंगे मोटे वाले, सो विच कैन बी रिमूव्ड ऑब्वियसली विद टेनेसिटी, बट इट कैन बी वेरी अनोइंग ऑल्सो गाइज। सो चलते हैं फिर फाइट में अब और देखते हैं अब हम इसको पेल पाएंगे कि नहीं। सो या एज यू सी आई एम ट्राइंग नॉट टू पैरी हिम, क्योंकि अगर वो पैरी करेगा हमारा बफ फेल होगा, उससे अच्छा ब्लॉक पकड़ लो अपना 5 हिट कॉम्बो के बाद सीधा ही, ताकि आप पे वो नलीफाई वाला स्टैगरिंग वाला डीबफ ना लगे। जैसे आप नोटिस कर रहे हो मैं ब्लॉक पकड़ के मार रहा हूँ इसे एंड देन आई एम ट्राइंग टू स्मैश हिम रियली हार्ड, और जहाँ हो सके मैं वहाँ स्पेशल देने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो मेरी पावर स्टील ना कर ले। या फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसकी स्पेशल इवेट करने की, बट हाइमडल ने बचाया तो क्या, हल्का सा ही बचाया था यार अनफॉर्चुनेटली। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेक ऑन माई बूस्ट एंड रिवाइव अगेन, क्योंकि इस साइड में लग जाते हैं यार, ये पावर काफ़ी स्टील करते रहता है, सो इट कैन बी अ लिटिल अनोइंग गाइस। That's the only annoyance in this fight, but 3-4 revive and I think he should be down. Teesra revive hai shayad ye mera hai, dusra revive hai, yeah, trying not to parry him again. Iski health ab bahut kam ho chuki hai, block daba deta hu main seedha hi iske attack ke baad and unblockable to chal hi raha hai mera, so अरे गलती से हमने अपने ऊपर लगवा लिया वो, फिर से वो भी वैसे इवेंट टेनेसिटी से हटा देता है, बट इस बार मैं पूरी स्पेशल टू ही वेट करने की कोशिश नहीं करी, यहाँ फिर से पैरी दिया, बट टेनेसिटी हेल्प मी आउट या एंड जस्ट इवेडिंग स्पेशल्स एंड ट्राइंग टू फिनिश हिम ऑफ, होपफुली और रिवाइव ना लगे, इसलिए स्पेशल टू मार रहा हूँ फ्यूरीज के साथ ताकि मोटा सा मोटा डैमेज आए एंड मैं जितना भी इसको पेल सकूँ मैं पेल दूँ।
अभी भी मेरे पास हैंडल वाली सिनर्जी बची है, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू वेस्ट एनी मोर यूनिट्स गाइस. बस यही आशा है कि अब ये इसी वाले रिवाइव में मेरा लिपट जाए, एंड अब वो लिपट भी जाएगा गाइस. सो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस लाइक ठोको, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, और आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बाय.